हमीरपुर विधानसभा में विधायक नीति से विभिन्न विकास कार्यों पर 65,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ये राशि उन्होंने अपनी विधायक निधि की पहली किश्त से स्वीकृत की है। जिन पंचायतों को विधायक निधि नहीं जारी हुई है उन्हें दूसरी किस्त से जारी कर दी जाएगी। हमीरपुर विधानसभा में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों पर 65,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी आज विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ये राशि उन्होंने अपनी विधायक निधि की पहली किश्त से स्वीकृत की है। जिन पंचायतों को विधायक निधि नहीं जारी हुई है उन्हें दूसरी किश्त से जारी कर दी जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे हमीरपुर विधानसभा में विकास कार्य में गति प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि विधायक निधि का एक एक पैसा जनता के कल्याण पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा के विकास खंड टोनी देवी की ग्राम पंचायत स्वाहल में पंचायत घर से जामली धाम तक बाया शेर स्वाहल सड़क के निर्माण तथा नगर परिषद हमीरपुर में सामुदायिक भवन सर्वहित सुधार सभा हमीरपुर के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नगर परिषद हमीरपुर में पेंशनर्स भवन की सुरक्षा दीवार के लिए 2.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा के विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत अणु के गांव अणुकला में हाकिम सिंह वर्मा के घर के नजदीक पुली के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए, नालटी ग्राम पंचायत के गांव डकोल में बंसीराम के घर से ब्यासदेव के घर तक संपर्क रास्ते के लिए 1 लाख रुपए तथा इसी पंचायत के गांव डगुआरा में राधा कृष्णन मंदिर से बंसीराम के घर तक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जंगल रोपा पंचायत में गांव बगार्टी के लिए सुरक्षा दीवार और रास्ते के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए, मसियाना में रामलाल के घर से शिव मंदिर तक रास्ते निर्माण के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नारा पंचायत के गांव बल डोडा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए, गांव दरबोड़ में सराय भवन के शौचालय निर्माण के लिए 1 लाख रुपए, नेहलवी मंदिर में सराय भवन के शेड के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ब्रालड़ी पंचायत में शमशान घाट के रास्ते के निर्माण के लिए ब्रालड़ी मंदिर में शौचालय निर्माण के लिए और गुगा मंदिर से सीताराम के घर तक रास्ता निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए और टुडाना लोहिया से जंज घर तक संपर्क रास्ते के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेरी पंचायत के गांव नेरी में मुख्य सड़क से रणबीर के घर तक सड़क नेरी पंचायत के गांव नेरी में मुख्य सड़क से रणबीर के घर तक सड़क मार्ग के लिए 1.50 लाख रुपए, शेर बलोनी पंचायत के गांव चमसाई में संपर्क सड़क पर सुरक्षा दीवार, ललीन ग्राम पंचायत के गांव ललीन खेल मैदान की सुरक्षा दीवार, ग्राम पंचायत फरनोल में गांव धरानी से मुख्य सड़क तक निर्माण मार्ग तथा ग्राम पंचायत दड़ूही के गांव खाला नजदीक शनि मंदिर में शमशान घाट निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जबकि धनेड़ पंचायत में महिला मंडल भवन गांव तलासी के लिए 2.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम पंचायत पांडवी के गांव मैट से पांडवी की ओर सड़क मार्ग बनाने के लिए तथा ग्राम पंचायत ताल के गांव अमनेड़ में निर्माण रास्ता और डंगे के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ग्राम पंचायत उकली के गांव रिहाला पलसोटी में प्रेम सिंह के घर के पास पुल निर्माण के लिए 1 लाख रुपए, ग्राम पंचायत उखली में महिला मंडल दरोडला ताल पंचायत के महिला मंडल राहजोल पट्टिया को फर्नीचर खरीदने के लिए 20-20 हजार रुपए तथा ग्राम पंचायत सहानवी के गांव ककड़ियाला पिपल से युद्धवीर की गौशाला की ओर संपर्क मार्ग के लिए 1.5 लाख रुपए व बुमाणा में कामधेनु गौशाला के नजदीक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए 50 हजार रुपए और अघार पंचायत में महिला मंडल लुंडरी के लिए शौचालय व स्नानाघर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अभी पिछले कल ही मैंने अपनी जो MLA विधायक निधि है लगभग 65 लाख रुपए भिन्न भिन्न पंचायतों को डेवलपमेंट के काम के लिए मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और ये मेरी कोशिश रही है
कि हर पंचायत में डेवलपमेंट हो और जो प्रायोरिटी के हिसाब से जहाँ जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने सभी की सहमति से अपनी विधायक निधि का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी भी शामिल है और लगभग 28-29 पंचायतों को मैंने ये पहली किस्त जो है इस साल की जो मैंने दी है। अभी और विधायक निधि शेष है जो कुछ पंचायतें बची हैं और कुछ और पंचायतों के डेवलपमेंट के हमें हमारे पास हमारे कार्यकर्ता को रेजोल्यूशन आए थे जो बची हैं। आने वाले समय में हम सभी जितने भी डेवलपमेंट का काम है, पैसे की हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है और डेवलपमेंट का काम कोई रुकने वाला भी नहीं है, तो मैंने सब कुछ सोचकर प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने ये पहली जो अपनी विधायक निधि की लगभग 65 लाख की है वो मैंने किस्त का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अभी कुछ डिमांड से कुछ लाइटों की भी है, कुछ मैंने पैसा शेष भी रखा है और जहाँ जहाँ लाइटें सोलर लाइटें लाना जरूरी है उनको भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।